हेलो फ्रेंड्स, आज हम द मंकी एंड द क्रोकोडाइल का पूरा क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। मंकी यानी बंदर और क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कम्प्लीट, व्हाट डिड ही मिस। यानी बंदर जो उस फल के वृक्षों में रह रहा था काफ़ी खुश था, लेकिन उसकी खुशियाँ पूरी नहीं थी। उसे क्या चीज़ याद सता रही थी, किसकी याद सता रही थी, क्या जीवन में उसकी अभी कमी थी? तो आंसर होगा कि द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन हिज फ्रूट ट्री। बंदर बहुत ही खुश था क्योंकि वह उस फल वाले वृक्ष में रहता था, बहुत सारे मीठे मीठे फल उसको खाने को मिलते थे। ही हैड प्लेंटी टू इट, प्लेंटी यानी काफ़ी, खाने को उसके पास काफ़ी कुछ था। बट ही हैड नो कंपेनियन, कंपेनियन यानी साथी, कोई दोस्त नहीं था, कोई मित्र नहीं था। ही फेल्ट लोनली यानी अकेला, वह अकेलापन महसूस करता था। ही नीडेड ए कंपेनियन टू टॉक टू, उसे एक साथी की ज़रूरत थी बात करने के लिए। एंड ऑल्सो टू शेयर हिट फ्रूट्स, हिट फ्रूट्स यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा हिज फ्रूट्स HIS, और अपने फलों को शेयर करने के लिए भी उसे दोस्त चाहिए था। व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट, आखिर वो दोनों दोस्त सामान्यतः किस बारे में बात किया करते थे? तो आपको पता होगा कि बंदर से मगरमच्छ की दोस्ती हो जाती है, तो मंकी एंड द क्रोकोडाइल वेयर फास्ट फ्रेंड। अब बंदर और मगरमच्छ दोनों पक्के दोस्त हो जाते हैं, मजबूत मित्र बन जाते हैं। जे जनरली टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड विलेजर्स नियर बाय, वह हमेशा पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में और पास के जो गांव थे और वहां के जो निवासी थे उनके बारे में बात किया करते थे। दे ऑल्सो टॉक्ड अबाउट देयर डिफ़िकल्टीज इन रेजिंग क्रॉस वेल रेनफील्ड। तो ये जो वर्षा की समस्या है वो तो आज भी है, ये अगर बारिश नहीं होती है तो रेन क्रॉप उगाने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो वो उस परेशानियों के बारे में भी चर्चा किया करते थे जो किसानों को झेलनी पड़ती थी जब वर्षा नहीं होती थी। व्हाई वॉज द क्रोकोडाइल्स वाइफ अनॉयड विथ हर हस्बैंड वन डे। अब मगरमच्छ की जो है वो पत्नी भी थी, एक भरा पूरा परिवार था, बच्चे थे। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छ से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, अनॉयड यानी एंग्री हो जाना, गुस्सा हो जाना। क्यों हो गई थी? तो आंसर होगा वन डे द क्रोकोडाइल ओवर स्टेट विद द मंकी। स्टेट का मतलब होता है ठहरना। एक दिन मगरमच्छ काफ़ी लंबे समय तक मंकी के साथ रुका रहा। हिज वाइफ हैड टू मैनेज द लिटिल वंस अलोन, मैनेज यानी संभालना, तो उसकी पत्नी को अकेले ही सारे बच्चे को संभालना पड़ा। अब बच्चे इन्हें परेशान करते होंगे, सो सी वॉज अनॉयड विथ हिम, तो इसलिए वो मगरमच्छ की जो पत्नी थी मगरमच्छ से काफ़ी गुस्सा हो गई। वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम। अनविलिंग का मतलब होता है अनिच्छुक होना, यानी जिसकी इच्छा ना हो। तो क्रोकोडाइल अपने बंदर मित्र को अपने घर लाने के लिए अनिच्छुक क्यों था, उसकी इच्छा क्यों नहीं थी? तो आंसर होगा द क्रोकोडाइल वाइफ डिज़ायर टू ईट द मंकी और हिज हार्ट। डिज़ायर का मतलब इच्छा होना। तो उसकी पत्नी की एक दिन इच्छा हो गई कि मैं उस बंदर का कलेजा खाऊंगी। कलेजा खाने का क्या मतलब है कि बंदर को खाना, यानी बंदर को मार डालूंगी। सी ऑर्डर हिम टू ब्रिंग द मंकी, और उसने मगरमच्छ को आदेश दिया कि तुम उस बंदर को मेरे पास लेकर आओ। अब ये जो मगरमच्छ था ये तो दोस्त, इसका तो दोस्त था बंदर, तो ही कुड नॉट बीट्रे हिज फ्रेंड। बीट्रे का मतलब धोखा देना, तो अपने दोस्त को ये धोखा भी नहीं दे सकता था और अपनी पत्नी को मना भी नहीं कर सकता था। देयरफोर ही वॉज अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम। तो यही सारे कारण थे जिससे कि वो, उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं बंदर को अपने घर लेकर आऊँ। व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम का स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, और यहाँ पे जो है नदी की चर्चा हो रही है तो आप धारा को नदी से रिलेट कर दीजिए। मिड स्ट्रीम यानी नदी के बीच में, धारा के बीच में, धारा के बीच में। आखिर क्रोकोडाइल ने बंदर को क्या कहा? तो द क्रोकोडाइल कैरिड द मंकी ऑन हिज बैक। क्रोकोडाइल चूँकि बहुत डरपोक था, अपनी पत्नी से डरता था, तो ये मतलब अपनी पत्नी को मना नहीं कर सका और इसने अंत में बंदर को इनवाइट कर ही दिया उसे जान मारने के लिए। तो क्रोकोडाइल ने, तो बंदर तो तैरना जानता नहीं था, क्रोकोडाइल ने उसको अपनी पीठ पर बैठा दिया और बीच धारा में पहुंच गया, नदी के बीचों बीच।
देयर ही सेड टू द मंकी, वहाँ पे उसने बंदर को कहा कि आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, कि मैं तुम्हें यहाँ इसलिए ला रहा हूँ, इसलिए लाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। माई वाइफ कैनॉट सर्वाइव, सर्वाइव यानी जी सकना, विदाउट ईटिंग योर हार्ट, अब मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाए बिना रह नहीं सकती है। सिक्स क्वेश्चन है, हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ, आखिर बंदर ने खुद के प्राण कैसे बचाए। तो द मंकी वॉज सैड एंड टेरिफाइड, ये सब सुनकर तो बेचारा मंकी के होश ही उड़ गए। बंदर बहुत ही दुखी हो गया और डर गया, टेरिफाइड यानी डर जाना, बट ही वॉज क्लेवर इनफ टू मेक ए प्लान टू सेव हिज लाइफ। अब ये जो बंदर की बंदर जाति होती है वो काफ़ी होशियार होती है, तो ये बंदर भी काफ़ी होशियार था, वो काफ़ी चालाक था, उसने तुरंत एक प्लान बना लिया ताकि वो अपना जीवन बचा सके। ही सेड दैट ही वुड ग्लैडली गिव अवे हिज हार्ट टू हिज फ्रेंड वाइफ, ग्लैडली का मतलब होता है खुशी से, उसने उसे कहा कि मैं तो खुशी से अपने हृदय जो है तुम्हारी पत्नी को देने के लिए तैयार हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली यानी दुर्भाग्यवश ही हैड लेफ्ट हिज हार्ट ऑन ट्री, मैं अपना कलेजा जो है वृक्ष पर ही छोड़कर आ गया हूँ। द स्टूपिड क्रोकोडाइल स्वम बैक टू द ट्री टू कलेक्ट द हार्ट, अब ये जो मगरमच्छ था वो तो मूर्ख पहले से ही था, तो वो उसने क्या किया, बंदर की बातों में आ गया और वो फिर से जो है तैर गया, उल्टा तैरा और उसे वृक्ष तक पहुंचा दिया कि अब तुम जो है अपना कलेजा ले सकते हो। द मंकी जंप्ड ऑनटू द ट्री, अब बंदर का तो प्लान ही था, बंदर तुरंत वृक्ष पर उछल कर पहुँच गया एंड थस हिमसेल्फ, और इस प्रकार से वह खुद को बचाने में सफल हो गया। सेवन है, व्हाट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट, इस स्टोरी का जो लास्ट सेंटेंस है वो आपको क्या बताती है, किस चीज़ की ओर इशारा करती है। व्हाट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ, अब क्रोकोडाइल अपनी पत्नी को क्या कहेगा। द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट दैट द क्रोकोडाइल हैड लर्नड अ लेसन, अब इस स्टोरी की जो लास्ट सेंटेंस ये है कि ही वॉज इन ए हरी टू टेल हिज वाइफ ए थिंग और टू, यानी उसे घर पहुंचकर पत्नी को बातें बताने की बहुत जल्दी थी। तो ये बताती है ये लास्ट लाइन कि क्रोकोडाइल को एक सबक मिला, ही रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट ए गुड फ्रेंड, उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने एक अच्छा मित्र खो दिया, बिकॉज ऑफ हिज वाइफ स्टूपिड डिजायर, अपनी पत्नी की मूर्खतापूर्ण इच्छा पूरी करने के लिए उसने एक अच्छा मित्र गवा दिया। सो इट सीम दैट द क्रोकोडाइल वुड रिवक हिज वाइफ फॉर हर ग्रीड, रिवक का मतलब होता है डांटना, फटकारना, तो ऐसा लगता है कि क्रोकोडाइल ज़रूर अपनी पत्नी की लालच के लिए उसे डांटेगा, फटकारेगा और उसे कुछ ना कुछ ज़रूर कहेगा। दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट हुआ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।